बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कल जो बवाल हुआ है वो इस वक्त सुर्खियों में है। सबसे बड़ी और अहम खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ी हिंसा देखने को मिली, आगजनी से तनाव इस वक्त पूरी दिल्ली में है। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। तो सुबह सवेरे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी और आगजनी से तनाव बढ़ा है दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के इसी दौरान निर्देश भी दिए हैं, हालात नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये कहना है, दिल्ली से सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तो जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया था, लोग शांति बनाए रखें, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है हालात नियंत्रण में है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। तो सभी संवेदनशील इलाकों में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हनुमान जन्मोत्सव पर ये बवाल मचा है। उसके बाद उपद्रवियों ने गाड़ियों पर आग लगाई है, उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन किस तरह से वो अलर्ट है इसको लेकर भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और इसी के साथ शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। और घायलों को इसी दौरान अस्पताल में जब भर्ती कराया गया उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें कल हुए घटनाक्रम की हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर हनुमान जन्मोत्सव पर बवाल की है। दरअसल एक शोभा यात्रा निकल रही थी और उस दौरान पथराव हुआ, पथराव के बाद आगजनी हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उपद्रवियों ने वहां पर मौजूद कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया है। आप देख सकते हैं भागती ये तस्वीरें, जिसमें बवाल के बाद किस तरीके से कोहराम मच गया। पुलिस प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है, सभी संवेदनशील इलाकों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज चलाया जा रहा है, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कल किस तरीके से हिंसा बढ़ गई और अभी तक वहां पर क्या क्या स्थितियां हैं वो ये 5 तस्वीरें बता रही हैं, किस तरीके से शोभा यात्रा में पथराव किए गए। ये घटना पहली नहीं है, दरअसल दिल्ली से पहले अगर हम मध्य प्रदेश को देखें वहां पर लगातार ये घटनाएं देखने को मिली, राजस्थान में ये घटनाएं देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव की घटना निंदनीय है, जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सभी लोगों से अपील, एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखे। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर शांति व्यवस्था की बात कही है, लेकिन ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दिल्ली पुलिस को पहले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल चुकी थी कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके सख्त जो रुख है वो सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया। मनोज तिवारी की तरफ से ट्वीट किया गया, हनुमान जन्मोत्सव पर आज जहांगीरपुरी दिल्ली में पथराव की घटना हुई, ये राजधानी दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हो रहा है, इसकी तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सख्त सजा मिले, साथ ही सीपी दिल्ली और सभी को टैग किया गया है। मनोज तिवारी की तरफ से। तो गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिया, हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हालात अभी सामान्य बने हुए हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं, देखिए कपिल मिश्रा का भी ट्वीट आपको बता दे रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि इसका एकमात्र हल है इन पत्थरबाजों से आतंकवादियों की तरह डील किया जाए और बम उठाने वाले हाथ उठने लायक ना रहे, जहांगीरपुरी जैसी मिनी पाकिस्तान अब कई जगह बन चुके हैं। तो लगातार जो दिग्गज नेताएं हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुर में तस्वीरें सामने आई शोभा यात्रा को लेकर पथराव हुआ और लगातार जो स्थिति तनावपूर्ण वहां पर नजर आई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद वहां पर जो स्थिति है उसको सामान्य बनाए रखने के लिए हमने देखा कि किस तरह से अमित शाह की ओर से जो है निर्देश दिया गया कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभी हालात वहां पर नियंत्रण में है, भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती हुई है। सीपी दिल्ली की ओर से जो ट्वीट किया गया उसको लेकर आपको जानकारी दे दें, उत्तर पश्चिमी जिले में हुई घटना में स्थिति पूरी तरह से काबू है, पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को जहांगीरपुरी और संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो इलाके में सघन पेट्रोलिंग करें और हालात पर लगातार नजर रखें। तो जिस तरह से निर्देशित किया गया केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह की ओर से। उसके बाद कानून व्यवस्था को और वहां पर सख्त कर दिया गया है। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहां पर अभी स्थिति संवेदनशील जो है वो नहीं है, हालात नियंत्रण में है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे देते हैं कि तकरीबन 3:30 बजे जहांगीरपुरी से शोभा यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद 4:30 बजे रास्ते में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इसमें और 6:20 पर शोभा यात्रा उपद्रव वाली जगह पर पहुंची। दरअसल 6:30 बजे का समय था जब उपद्रव सी ब्लॉक जेपी और 100 नंबर गली पर पहुंच गया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई 6:40 पर। उसके बाद दमकल को सूचना दी गई, साथ ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसके बाद घायल 2 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।